नमस्कार, मैं सनी तुसीर। कनाडा में बैठे बैठे गैंगस्टरों की भर्ती करवाई जा रही है और कैसे लॉरेंस बिश्नोई के लिए गोल्डी ब्राड एक नया प्लान तैयार कर रहा है, आज इस वीडियो में हम आपको ये सब कुछ बताएंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजेश बवाना गैंग के चार शूटरों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस को पूछताछ में कई बड़ी जानकारी हासिल हुई है। पुलिस को पता चला कि गोल्डी ब्राड कनाडा में बैठे बैठे दिल्ली में गैंगस्टरों की भर्ती करा रहा है। उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए ये भर्ती शुरू की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी से राजेश बवाना गैंग के चार शूटरों को गिरफ्तार करके ये सब जानकारी जुटाई है। दिल्ली पुलिस ने जिन चार शूटरों को गिरफ्तार किया है उनमें से एक मशहूर रैपर भी शामिल है। ये शूटर नीरज बवाना गैंग के लोगों को निशाना बनाने वाले थे। गैंगस्टर्स की पहचान हिमांशु, नितिन, अभिषेक उर्फ शेखू और अभिलाषा पोटा के तौर पर की गई है। इसमें अभिषेक उर्फ शेखू लगातार कनाडा में बैठे बैठे गोल्डी ब्राड के संपर्क में हुआ था, जबकि अभिलाषा पोटा एक रैपर है। गोल्डी ब्राड राजेश बवाना के साथ हाथ मिलाकर अपनी गैंग में 20 साल से कम उम्र के शूटर्स को भर्ती करना चाहता था, लेकिन गोल्डी ब्राड का ये मंसूबा पूरा होने से पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजेश बवाना गैंग के गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और इस पूरी कहानी का दिल्ली की स्पेशल सेल ने पता लगा लिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि राजेश बवाना ने हाल ही में गोल्डी ब्राड और लॉरेंस के साथ हाथ मिलाया है। दरअसल राजेश बवाना और नीरज बवाना गैंग के बीच 36 का आंकड़ा है। राजेश बवाना नीरज बवाना गैंग के कुछ लोगों को ठिकाने लगाना चाहते थे, इसलिए राजेश बवाना ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ हाथ मिलाया। पुलिस के मुताबिक गोल्डी ब्राड कनाडा में बैठे बैठे यह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए गैंगस्टर्स की भर्ती कर रहा था। इसके लिए उसने 20 साल से कम उम्र के शूटर्स को ही शामिल करना चाहा। दिल्ली पुलिस को राजेश बवाना के प्लान की भनक लग गई थी, इसलिए उसके चार शूटर्स को वजीरपुर इलाके से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो नीरज बवाना गैंग के सदस्यों को मारने जा रहे थे। आरोपियों के पास से पुलिस को 3 अर्थमेटिक पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस मिले हैं। गैंगस्टर राजेश बवाना के गैंग में अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा के झुंझुनू में डकैती की एक वारदात को अंजाम दिया था। डकैती का CCTV फुटेज सामने आया था। इस डकैती में हिमांशु और अभिषेक शामिल थे। इसमें करीब 35 लाख रुपये की लूट को अंजाम दिया गया था ताकि इस पैसे से वो नीरज बवाना गैंग के लोगों को मार सके।